इस वीडियो को देखने वाले सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम नॉन फाइनाइट्स के बारे में चर्चा करेंगे। एक नॉन फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है जो नंबर, पर्सन और टेंस से लिमिटेड नहीं होता। यानी यदि हम सब्जेक्ट का नंबर या पर्सन बदल दें या सेंटेंस में टेंस बदल दें तो ये प्रभावित नहीं होता, ये बदलता नहीं है। तो नॉन फाइनाइट वर्ब इज नॉट लिमिटेड बाई नंबर, पर्सन और टेंस। ये तीन प्रकार का होता है। नंबर एक इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स आगे दो प्रकार का है। नंबर वन टू इन्फिनिटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं। नंबर टू बेयर या प्लेन इन्फिनिटिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोलते हैं। जेरन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी, इसे वर्बल नाउन कहते हैं, ये नाउन का काम करता है। पार्टिसिपल्स, ये तीन प्रकार का होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल नंबर एक, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये नाउन का काम नहीं करता। नंबर टू पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोलते हैं। नंबर थ्री परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को बोलते हैं। अब हम करते हैं प्रैक्टिस सेट नॉन फाइनाइट से संबंधित। हम इस प्रैक्टिस सेट में नॉन फाइनाइट वर्ब भरना है। तो ये कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, विद्यार्थी नोट कर लें और जो मैं आंसर बताऊं उसे भी नोट कर लें। नीचे मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, सीधे आंसर बताऊंगा। अगले किसी प्रैक्टिस सेट में हम आपको ऑप्शंस दे देंगे। बहुत से वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ नॉन फाइनाइट्स फिक्स होते हैं, उनके बाद वो लगते हैं। उन शब्दों को विद्यार्थी ध्यान रखेंगे। तो प्रैक्टिस सेट वन, वन आई एंजॉय ब्रैकेट में रीड बुक्स। एंजॉय के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगता है, यानी जेरंड लगता है। रीडिंग आएगा, यहाँ आंसर है रीडिंग, विद्यार्थी नोट करते रहेंगे। नंबर टू शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ ब्रैकेट में विन द फर्स्ट प्राइज। प्रथम पुरस्कार जीतने का उसे विश्वास है। देखिए ब्लैंक से पहले ऑफ लगा हुआ है, ऑफ प्रेपोजिशन है। टू को छोड़कर जो बाकी प्रेपोजिशंस हैं जैसे ऑन, एट, इन, बाई इत्यादि, इनके बाद वर्ब आने पर आमतौर से आईएनजी लगता है, जेरंड लगता है। यहां विनिंग आएगा, शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग WINNING द फर्स्ट प्राइज। क्वेश्चन नंबर थ्री ही इज रिच इनफ ब्रैकेट में बाय ए कार। वह इतना अमीर है कि कार खरीद सकता है। एडजेक्टिव प्लस इनफ के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी टू इन्फिनिटिव आता है। यहां रिच एडजेक्टिव है, इनफ लगा हुआ बाद में, तो इसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी टू इन्फिनिटिव लगेगा, टू बाय। क्वेश्चन थ्री का आंसर है टू बाय। क्वेश्चन फोर आई लेट हिम गो, मैंने उसे जाने दिया। लेट के बाद ऑब्जेक्ट आने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यानी प्लेन इन्फिनिटिव या बेयर इन्फिनिटिव लगता है। लेट के बाद ऑब्जेक्ट आने पर प्लेन इन्फिनिटिव या बेयर इन्फिनिटिव लगता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो क्वेश्चन नंबर फोर में आंसर हुआ गो, गो नोट कर लेंगे विद्यार्थी, और जो संकेत दे रहा हूं उन्हें भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव यू हैड बेटर ब्रैकेट में लीव दिस प्लेस। बेहतर होगा कि तुम ये स्थान छोड़ दो। हैड बेटर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, हैड बेटर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। यह आंसर होगा लीव, LEAVE, लीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी प्लेन इन्फिनिटिव जिसे बेयर इन्फिनिटिव भी कहते हैं वो लगेगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स ही डज एवरीथिंग एक्सेप्ट डिसीव हिज फ्रेंड्स। वह सब कुछ करता है सिवाय अपने मित्रों को धोखा देने के। एक्सेप्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, आमतौर से एक्सेप्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यानी प्लेन या बेयर इन्फिनिटिव लगता है। यहां डिसीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, एक्सेप्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर सेवन आई वुड रादर ब्रैकेट में स्टार्व देन बेग। मैं भीख मांगने की बजाय भूखा मरना पसंद करूंगा। वुड रादर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वुड रादर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यानी प्लेन या बेयर इन्फिनिटिव लगता है, विद्यार्थी नोट कर लेंगे। वुड रादर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, स्टार का स्टार भी रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर एट शी डज नॉट अलाउ ब्रैकेट में स्मोक हियर। अलाउ के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है, अलाउ के तुरंत बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है।
तो यहाँ स्मोकिंग आ जाएगा, SMOKING। तो इस शब्द को भी नोट करेंगे, अलाउ के तुरंत बाद बोल रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 9, शी डज नॉट अलाउ अस ब्रैकेट में स्मोक हेयर। अब देखिए अलाउ के तुरंत बाद वर्ब की फॉर्म नहीं है, अस लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, अब टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। इसकी हिंदी हुई, वह हमें यहाँ धूम्रपान करने की अनुमति नहीं देती। शी डज नॉट अलाउ अस टू स्मोक हेयर। यहाँ अलाउ के तुरंत बाद वर्ब की फॉर्म नहीं है, अस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ टू आएगा, टू स्मोक यानी टू इन्फिनिटिव। क्वेश्चन नंबर 10, शी वॉज बिजी ब्रैकेट में आर्ग्यू विद हर नेबर। बिजी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है, यानी जरन लगता है। बिजी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे, वह अपनी पड़ोसन से या पड़ोसी से आर्ग्यू करने में, बहस करने में व्यस्त थी। क्वेश्चन नंबर 11, ही इज टू ओल्ड टू डू दिस वर्क। टू प्लस एडजेक्टिव के बाद टू और फर्स्ट फॉर्म लगती है, यहाँ टू है, ओल्ड एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे आगे टू डू आएगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये बात पहले भी हम एक वीडियो में बता चुके हैं। तो टू प्लस एडजेक्टिव के बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यानी टू इन्फिनिटिव लगेगा, टू डू आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12, कैन यू जस्टिफाई यूअर ब्रैकेट में लीव द बेबी अलोन। क्या बच्चे को अकेला छोड़ने की अपनी बात को तुम जस्टिफाई कर सकते हो, उसका औचित्य बता सकते हो। देखिए ब्लैंक से पहले यूअर यानी पजेसिव केस है, और जितने पजेसिव्स हैं इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है, वर्ब आने पर उसके साथ आईएनजी लगता है, तो यहां लीविंग आएगा। पजेसिव क्या, जैसे आई का माई है, यू का यूअर है, शी का हर है, तो ये केसेस होते हैं प्रनाउन के, नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। जो पजेसिव केसेस हैं इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगानी, यानी जरन लगेगा, तो यहां लीविंग आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, आई एम नॉट यूज टू ब्रैकेट में ईट सो मच एट लंच टाइम। देखिए यूज टू से पहले यदि इज एम आर वाज वर गेट ये आया हो तो यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगती है। हम देख रहे हैं कि यूज टू से पहले एम लगा हुआ है, यूज टू से पहले इज एम आर वाज वर गेट गॉट ये आ जाए तो फिर यूज टू के बाद हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगानी पड़ेगी, यानी जेड लगेगा, तो ईटिंग आएगा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, ही मेड मी ब्रैकेट में वर्क। ही मेड मी ब्रैकेट में वर्क, उसने मुझसे काम करवाया। देखिए इंग्लिश के बहुत से सेंटेंस जो दिखते हैं वैसा मीनिंग होता नहीं है, मुहावरेदार अर्थ हो जाते हैं, यहां भी ऐसा ही वाक्य है। ही मेड मी वर्क, उसने मुझसे काम करवाया। यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, संकेत क्या है, मेक के बाद, यानी मेक या मेक की किसी फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट आया हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। यहां देख रहे हैं मेड के बाद मी ऑब्जेक्ट है तो यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ही मेड मी वर्क। यदि मेक के बाद ऑब्जेक्ट है और एक्टिव वॉइस है तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ती है, ही मेड मी वर्क, वर्क का वर्क ही रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हुआ वर्क यानी बेयर या प्लेन इन्फिनिटिव। क्वेश्चन 15, नीड यू ब्रैकेट में गो देयर रियली। क्या वास्तव में तुम्हें वहां जाने की जरूरत है। नीड यहां मॉडल है, जितने मॉडल्स हैं उनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यहां हम गो का गो ही लगाएंगे, नीड हम मॉडल के रूप में देख रहे हैं। क्वेश्चन 16, ही गॉट हिज एनिमी ब्रैकेट में शूट, उसने अपने शत्रु को मरवा दिया। यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल आएगा, शूट शॉट शॉट, तो SHOT हो जाएगा। संकेत क्या है, संकेत है गेट प्लस ऑब्जेक्ट। देखो गोट आया हुआ है, गेट से बना हुआ, गेट की सेकंड फॉर्म है ये, तो गेट प्लस ऑब्जेक्ट उसके बाद वर्ब आए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। गेट प्लस ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां शॉट SHOT, उसने अपने शत्रु को मरवा दिया। 17, हैविंग ब्रैकेट में फिनिश हर वर्क शी वेंट आउट टू प्ले। अपना काम खत्म कर चुकने के पश्चात वह बाहर खेलने चली गई। हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिनिश्ड आएगा आंसर यहां, फिनिश्ड। 18, कैन यू हियर द बाउंस बॉल, कैन यू हियर द बाउंसिंग बॉल।
क्या तुम उछलती हुई गेंद की आवाज सुन सकते हो? उछलती हुई गेंद, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्क इन प्रोग्रेस या एक्शन इन प्रोग्रेस को दिखाने वाले वर्ब जो होते हैं उनमें हम आईएनजी लगाते हैं। बाउंसिंग बॉल, उछलती हुई बॉल, तो यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा, बाउंसिंग। 19, आई वुड लाइक ब्रैकेट में हैव ए कप ऑफ टी, मैं एक कप चाय लेना चाहूंगा। वुड लाइक के बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है, वुड लाइक के बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो यहां आएगा टू हैव, यानी टू इन्फिनिटिव। 20, प्लीज फॉरगिव माई ब्रैकेट में बींग रूड टू यू। देखिए माई यहां पजेसिव है, मैंने पीछे बताया था कि जितने पजेसिव्स हैं उनके बाद वर्ब आने पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगता है, यानी जेरंड लगेगा, तो बींग आएगा। प्लीज फॉरगिव माई बींग रूड टू यू, कृपया आपके प्रति मेरे अशिष्ट होने को माफ कीजिए, क्षमा कीजिए। तो यहाँ माई पजेसिव केस है, इसलिए हमें यहाँ वर्ब जो है उसके साथ आईएनजी लगाना है। 21, हैविंग ब्रैकेट में कंप्लीट हिज स्टडी ही स्टार्टेड लुकिंग फॉर ए जॉब, अपनी स्टडी पूरी कर चुकने के बाद उसने काम ढूंढना शुरू कर दिया। हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, परफेक्ट पार्टिसिपल, तो यहां कंप्लीटेड आएगा, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट पार्टिसिपल। 22 देखेंगे, हाउ डिड द विंडो गेट ब्रेक, खिड़की कैसे टूट गई, कैसे टूट गई, हाउ डिड द विंडो गेट ब्रोकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। वाक्य की सेंस को ध्यान में रखते हुए और गेट को ध्यान में रखते हुए हमें यहां ब्रेक की थर्ड फॉर्म ब्रोकन लगाना पड़ेगा। हाउ डिड द विंडो गेट ब्रोकन, खिड़की कैसे टूट गई। 23, आई सॉ माई फ्रेंड ब्रेक में वॉक अलोंग द रोड, मैंने अपने मित्र को सड़क पर चलते हुए देखा। चलते हुए यानी एक्शन इन प्रोग्रेस है, और मैंने बताया कि जारी काम जब होता है, ऐसा वर्ब जो जारी काम को दिखाता है उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं, तो यहां वॉकिंग आईएनजी लगेगा, एक्शन इन प्रोग्रेस को दिखाने का यहां संकेत है, वॉकिंग। आई सॉ माय फ्रेंड वॉकिंग अलोंग द रोड। तो ये मैंने 23 सेंटेंसेस नॉन फाइनाइट से संबंधित आपके सामने रखे, इनमें ऑप्शंस मैंने नहीं दिए हैं। हाँ, किस वर्ड के साथ कौन सा नॉन फाइनाइट लगेगा इसके संकेत दिए हैं, विद्यार्थी एक बार फिर से वीडियो देख लें और नोट कर लें उन शब्दों को, और जो संकेत दिए हैं उन्हें भी नोट कर लें। आगे आने वाले किसी वीडियो में हम ऑप्शंस के साथ आपको नॉन फाइनाइट्स बताएंगे, और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी वीडियोस हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं, वहाँ अपने मनपसंद के वीडियोस देख सकते हैं, जैसे बेसिक ग्रामर के और नेवी एग्ज़ाम्स के वीडियोस देख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।